आज मैं बनाने लगी हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन में मैं सबसे पहले उसका शीरा बनाऊंगी, सिरप यानी। तो एक कप मैंने शुगर डाल दी है और एक कप मैं डाल रही हूँ। 2 कप शुगर का हम सिरप बनाएंगे, 2 कप शुगर का हम सिरप बनाएंगे और 2 ही कप इसके अंदर पानी डालेगा। 2 कप शुगर और 2 कप पानी मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ इसे। इसके अंदर आप मैं 4 से 5 अदद हरी इलायची डालूंगी जी। तो ये 5 अदद मैंने हरी इलायची ली है और इसको बीच में से मैंने काट दिया है ताकि इसकी दाने जो हैं अच्छे से खुशबू दें। और मैं इसको उस वक्त तक के चलाऊंगी जब तक कि इसकी जो शुगर है डिज़ोल्व नहीं हो जाए और इसके अंदर जो पानी में थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। पूरा फुल हम शीरा नहीं बनाएंगे, एक तार का बस इतना रखेंगे सिरप के, जैसे कि हल्का सा चेप आने शुरू हो जाए, चेपक सा जो है। दो हमेशा आप जितनी शुगर लें उतना ही पानी लें क्योंकि ये एक हिसाब होता है शीरा बनने का। तो बस अब मैं 5 मिनट तक के इसको पकाऊंगी जब तक कि हमारी शुगर डिज़ोल्व हो जाती है और हमारा शीरा जो है वो बनना शुरू हो जाए। सबसे पहले मैंने नीडो लिया है 1 कप पूरा, 1 कप कि हम गुलाब जामुन बनाएंगे कि जो बच्चे सीख रहे हैं गुलाब जामुन बनाना तो उनको इजी रहे। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर मैदा लूँगी। मैदा लेने की वजह ये है, 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर मैदा डालूँगी। मैदा डालिएगा, लाल वाला आटा नहीं डालिएगा, मैदा डालिएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी, हार्ड से मतलब क्योंकि पूरा जो आटा है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है जो कि गुलाब जामुन, फिर वो गुलाब जामुन जैसी नहीं रहती। थोड़ी सी ये हार्ड साइड पे आ जाएगी तो ये अच्छी रहेगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर, वो भी एकदम फुल चोटी बना के नहीं डालना है, बस काट के डालना है इस तरह। अब इसको अच्छे से हम चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे कि बेकिंग पाउडर के अंदर गुठली नहीं बने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको चारों तरफ। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून में असली घी डालूंगी। जब भी बनाएं घी है तो घी डाल लें, मक्खन डाल लें, लेकिन ऑयल नहीं डालें, ऑयल से इतना टेस्ट नहीं आता। इतना मतलब इतना है मैंने चम्मच लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून में इसके अंदर असली घी डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून इसके अंदर असली घी गया और एक अदद हम अंडा डालेंगे। एक अदद जो मैंने अंडा डाला है वो भी आप फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली नहीं डालिएगा क्योंकि उससे भी फ़र्क पड़ता है गुलाब जामुन के फूलने में, बेक होने में, सॉरी गुलाब जामुन के फूलने में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब बाहर रखा हुआ हो 1/2 घंटे के लिए निकाल के रखें अंडे को और फिर उसके बाद डालिए, तो उससे ज़रा ये कि अच्छा बन जाता है। तो आप इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। इसी अंडे और घी में हमारे जो है पूरा जो हमने बनाया है ये अमेज़ा ये सब हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये सूखा हुआ है, गीला नहीं है, पहली बात तो होगा नहीं ये, और अगर लगता है कि ऐसा लग रहा है तो हम 2-3 बूंदें जैसे ऑयल के इसके अंदर दूध की डालेंगे, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून तकरीबन इसके हम अंदर मिल्क डाल देंगे। देखें सब मिक्स हो रहा है। देखें पूरा मिक्स हो चुका है, हाथों में लग रहा है, लेकिन ये अभी ही थोड़ी सी देर के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके का हमें इसकी डो चाहिए। अब इसकी जो गुलाब जामुन हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी, इसे हम उठा के नहीं रखेंगे, हाथ के हाथ बनाएंगे इस तरीके से। देखें चारों तरफ से ये हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह हमें इसे मिक्स करना है क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर है
और मैदा है, तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो इसकी हम फिर गोलियां बनाएंगे और फिर ऑयल में डालेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा डो बनी है बगैर किसी दड़ाड़ के। बस इतने इतना इसका साइज ले लें, छोटा छोटा गोल बनानी है आप गोल बनाइए, लंबी बनानी है लंबी बनाइए, जिस तरह की शेप की आपको पसंद है आप उस तरह बनाइए। देखिए बिल्कुल इस डो में दड़ार नहीं है, इसका मकसद है हमारा जो डो है बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से आपका भी होना चाहिए। इस तरह मैं अब सारी बना लूँगी। आसानी से बन रही है। अगर ये है इसके अंदर थोड़ा अगर ऑयल कम, जैसे घी जो मैंने डाला है अगर वो कम होता, या अंडा भी डाला उसके बावजूद अगर ये कम होता तो फिर इसके अंदर दरारें आना शुरू हो जाती क्योंकि ये खुश्क होता। अगर तो खुश्क हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल लें, पानी नहीं डालिएगा मिल्क डाल लें। हमारी सारी जो गोलियां हैं वो बन चुकी हैं गुलाब जामुनों की, तो बस अब हम अपना शीरा देखते हैं कि शीरा हमारा हो गया है, तो फिर उसके बाद अपनी गुलाब जामुन फ्राई करना शुरू करते हैं। तो चले आइए जी। तो हमारा शीरा बन चुका है बिल्कुल, ये देखें थोड़ा सा जब बन जाए तो आप इसको ना चम्मच में थोड़ा सा ऐसे इस तरह लें, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये। तो देखें हाथ में इसे पकड़ें, यह जो है ना लेस आ रहा है मेरे हाथ में, तो इसका मतलब है ये बन चुका है। और ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए, फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, ये मीडियम है। चलें तो फिर हम अपनी शुरू करते हैं गुलाब जामुनों को फ्राई करना। जी तो हम अपनी गोलियाँ डालना शुरू कर दिए गुलाब जामुन की, और ये मीडियम जो है ऑयल, ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बस ये मीडियम चाहिए, मीडियम से भी थोड़ा कम ही है ये। ज़्यादा गर्म ऑयल अगर होगा ना तो ये सारी जल जाएंगी, वरना ये ज़्यादा गर्म अगर ऑयल में जाएंगी तो फिर ये ना जलना शुरू जाएंगी गुलाब जामुनें, और अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से जो है जलना शुरू जाएंगी, तो फ़ायदा नहीं है। बस ये खुद ही ऊपर उठ के आएंगी ऑयल से, मतलब नीचे जो तला है उसमें से ऊपर जब उठ के आएंगी ना तो समझ जाएं कि आपकी गुलाब जामुनें पकना शुरू हो चुकी हैं और ऑयल जो है वो बिल्कुल सही है। और उस वक्त तक के हम हिलाएंगे नहीं, चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक कि ये खुद सारी ऊपर ना आ जाए। देखिए ये सब ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं, सब आ चुकी हैं ऊपर। बस आप इस दर देखें ये जो है ना सब होना शुरू हो चुकी हैं अच्छी तरह, और मैंने फ्लेम बिल्कुल बारीक कर दिया है कि अब जले नहीं। जितना हमें गोल्डन कलर चाहिए ये उतनी होती चली जा रही है, बस इसको हिलाते रहना है कहीं ये फिर काली ना हो जाए। जी तो अब हम अपनी सारी गुलाब जामुन हमारी हो चुकी हैं, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब ये सब सिरप में मैं इनको डाल रही हूँ, बस आधे घंटे के लिए हम इसको रखेंगे सिरप में, और सिरप जो है वो गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं ढक्कन ढक के आधे घंटे के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद हम इसे निकालते हैं। देखें 15 मिनट हो चुके हैं और गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें इनका साइज़ भी बड़ा हो गया, डबल हो गया इनका साइज़। तो मैं निकालती हूँ और खा के बताती हूँ कि कैसी लग रही हैं। सारी सेट हो चुकी है, तो देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये सब। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पिस्ता डालेंगे, पिस्ते से और टेस्ट में इजाफा हो जाएगा। थोड़ा शीरा डालूंगी मैं, जो बाकी का हमारा पिस्ता रह गया ये भी हम डाल देंगे। देखिए कैसे ज़बरदस्त लग रही है और कितनी ही सॉफ्ट है। देखिए
देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी सॉफ्ट है। लग रही ना ज़बरदस्त। और थोड़ी ये सॉलिड है, अगर हम खाली दूध की बनाएंगे ना तो ये इतनी सॉलिड नहीं होगी, एकदम जैसे कि वो थोड़ी फचफची सी होगी, लेकिन ये नहीं है, ये थोड़ी सॉलिड है आटे की वजह से। और देखें अंदर कोई गुठली भी नहीं बनी है, आटा जैसे सोचें कि आटा डाल रहे हैं तो ये गुठली बनेगी अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुठली भी नहीं है। बहुत शानदार लग रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, कोई इसके अंदर आटे की स्मेल नहीं आ रही, ये आटे का टेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट एक गुलाब जामुन का टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है जैसे कि हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कोई ज़रा सी भी कोई गुठली नहीं है, तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी मैं नई रेसिपी में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।